friends, welcome to my kitchen, the Jay Kitchen। समर इज सेटल, तो क्यों ना हम कुल्फी का मजा लें। आज हम बनाएंगे केसर पिस्ता मलाई कुल्फी। बनाने से पहले एज यूजुअल रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियोस यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। तो चलिए बनाते हैं केसर पिस्ता मलाई कुल्फी। चलिए हम इंग्रेडिएंट्स को चेक करते हैं। यहाँ मैंने फुल क्रीम लिया है, 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क है। यहाँ कुछ शक्कर, शुगर। हियर इज कंडेंस मिल्क विच इज ऑप्शनल। यहाँ मैंने देखिए ये पिस्ता है, इसको चॉप किया है। ये है कैज्यू, इसको भी चॉप किया है एंड आमंड्स, बादाम। यहाँ पर सैफरन है, केसर, स्ट्रैंड्स ऑफ केसर है एंड यहाँ इलायची पाउडर है। तो चलिए बनाते हैं। पैन लिया, फ्लेम को टर्न ऑन करेंगे एंड वी गोइंग टू पोर दिस मिल्क। ये है 1 लीटर। इसको हमें धीमे आंच पर अच्छी तरह से स्टर करते हुए पकाना है एंड वी गोइंग टू रिड्यूस दिस 1 लीटर इनटू हाफ अ लीटर। दूध को हम अच्छी तरह से थिक कर लेंगे, इस तरह चलाते हुए इसे नियरली हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स आप इस तरह से इसको पकाते जाइए। देखिए इसे मैंने 45 मिनट्स तक इस तरह पकाया है एंड इट्स रिड्यूस्ड। कैन यू सी, ये साइड्स छोड़ने लगा है। दिस स्टेज मैं यहाँ मिल्क में मिलाऊंगी। इस स्टेज में हम कंडेंस मिल्क डालेंगे, इस तरह से हम मिला लेंगे। बिकॉज आई हैव एडेड कंडेंस मिल्क, हम चीनी थोड़ा कम डालेंगे बिकॉज कंडेंस मिल्क ऑलरेडी हैज शुगर इन इट, स्वीट है, सो हम इसे थोड़ा चीनी कम कर देंगे। देखिए अच्छी तरह से थिक हो गया है। We'll add the cardamom powder, elaichi powder. Give it a good mix. जो saffron के strands है, केसर, उसे भी हम मिला लेंगे। इसे अच्छी तरह से उबालते जाएंगे, पकाते जाएंगे। देखिए ये बिल्कुल रेडी है। Now थोड़ा सा पिस्ता, केसर पिस्ता है तो पिस्ता हम डालेंगे इसमें। ये चॉप्ड पिस्ता, पिस्ताशियोज डालने के बाद ये थोड़ा सा आमंड, बादाम, कैश्यूज, रेजन्स भी हम डाल लेंगे। इसको अच्छी तरह से हम थोड़ा स्टर करेंगे, मिला लेंगे। ऑलमोस्ट डन। देखिए द कलर इज चेंज्ड बिकॉज ऑफ द केसर, सैफरन की वजह से। लुकिंग ब्यूटिफुल। फ्लेम को हम बंद करेंगे, टेक इट आउट। इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे एंड उसके बाद हम कुल्फी मोल्ड्स में इसको डालकर फ्रीज करेंगे। देखिए अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। नाउ वी गोइंग टू फिल द कुल्फी मोल्ड्स। देखिए मैंने यहाँ पर सेरेमिक कुल्फी मोल्ड लिया है। यू कैन यूज एल्यूमिनियम और प्लास्टिक मोल्ड्स, व्हाटएवर इज अवेलेबल फॉर यू। यहाँ मैंने ये स्टिक लिया है कुल्फी को इसके अंदर डालने के लिए। इफ यू डोंट हैव दीज कुल्फी स्टिक्स यू कैन यूज आइसक्रीम स्टिक्स। ये थोड़ा सा, ये मैंने देखिए ये फॉइल पेपर को काट के रखा है, इसके ऊपर हम कवर करेंगे। तो चलिए हम मोल्ड्स को फिल करेंगे, अच्छी तरह से इस तरह मिक्स करेंगे एंड वी गोइंग टू पोर इन अ कुल्फी मोल्ड। इस तरह देखिए मैंने कुल्फी मोल्ड्स में डाल दिया है हमारा ये जो फॉइल है एल्युमिनियम फॉइल, वी गोइंग टू कवर दिस राइट। इस तरह हम उसको सारे मोल्ड्स को कवर करेंगे। ठीक है, इस तरह हम स्टिक्स को हम डालते जाएंगे सो दैट कुल्फी विल हैव कुल्फी स्टिक्स इनसाइड इट। राइट, स्टिक्स मैंने डाल दिया है। नाउ वी गोइंग टू फ्रीज दिस ओवरनाइट। हम आप 6 to 8 आवर्स इसको रख सकते हैं। मैं इसको ओवरनाइट रखने वाली हूँ। देखिए मैंने ओवरनाइट इसको रखा है एंड वी गोइंग टू डीमोल्ड आवर कुल्फीज। तो इस तरह एक पानी लिया मैंने एक ग्लास में, इसको हम इस तरह अंदर डालेंगे सो दैट इट कम्स आउट वेरी इजीली। देखिए हाउ ब्यूटीफुल राइट, कुल्फी इज ऑल रेडी टू सर्व आवर कुल्फी। इस तरह हम सारे मोल्ड्स को डीमोल्ड करेंगे। हमारा केसर पिस्ता मलाई कुल्फी इज ऑल रेडी। चलिए इसको भी देखते हैं। सी टेस्टी। इस तरह रखने के बाद वी गोइंग टू स्प्रिंकल सम, इसको थोड़ा गार्निश कर देंगे केसर पिस्ता। दैट्स इट, एंड आवर कुल्फी इज रेडी, मलाई कुल्फी। चेक आउट फ्रेंड्स, आवर केसर पिस्ता मलाई कुल्फी इज रेडी। Please do try out this kulfi. Keep watching, keep cooking. Thank you.